कितनी अच्छी लगती हो। शट अप बंटी। बंटी कहाँ चला गया? वो इसने पसेट बनाया है या फ्रिज बनाया है? हमें फ्रिज कर दिया। सर ज्यादा गुस्सा मत होइए सर, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कूल 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 कूल। अब इससे ज्यादा कूल होने के लिए और कहाँ जाऊँ मैं? अंटार्कटिका सर। सब लोग नॉर्मल हो जाएं। रिंग रॉन्ग रिंग। क्या था? ये सब क्या हुआ था? क्या था ये? मैं बताता हूँ सर, अभी जो आपने एक्सपीरियंस किया वो अर्थ की नेचर का एक रिएक्शन था। जब हम लोग अपनी अर्थ को इतनी तकलीफ पहुंचाते हैं जिसकी वजह से उसको ऐसा रिएक्ट करना पड़ता है, इसलिए नेचर से खिलवाड़ करना बंद करना होगा। नेचर से प्यार करोगे तो वो हमें कभी परेशान नहीं करेगी। वंडरफुल वंडरफुल। देखा मिस्टर विजय, हमें बच्चों से सीखने को कितना मिलता है। भाई ये तो कमाल किया इस लड़के ने, कमाल। सर मैंने कुछ नहीं किया, ये सारा कमाल तो मेरे मास्टर जी ने किया, उन्हें क्रेडिट दीजिए। आप थैंक यू। आप साइंस में इंटरेस्टेड थे क्या? मैंने 12वीं तक साइंस पढ़ी है सर, और फिर उसके बाद मैंने 2 साल अपना वो क्या बोलते हैं कुरियर सर्विस भी की थी। उसके बाद क्या है कि 1 साल फिर आप चुप रहे हैं भाई साहब। ठीक है सर, ये कोई प्रोजेक्ट था? व्हाट वाज दिस? इट वाज सो कंफ्यूजिंग। भाभी जी चिढ़ रही हैं। अरे कभी सर्दी लग रही है कभी गर्मी लग रही है, ये क्या था? दिस वाज नो वोल्केनो सर, कुछ अजीब सा था सर। और आपने हमारी चलती हुई ट्रेन देखी सर? हा? ट्रेन पे हम लोगों का वो डांस देखा सर। अब आप जल्दी से बताइए कि फर्स्ट प्राइज किसको मिलेगा। हा? अच्छा था। आई थिंक यू आर राइट। तो अब मैं इस नतीजे पर पहुंचने पर मजबूर हो रहा हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट साइंस कॉम्पिटिशन में जाएगा जो शानदार होगा, जानदार होगा, धुआंदार होगा। इसलिए मैंने फैसला किया है गोगो का प्रोजेक्ट। मैं रिजेक्ट करता हूँ और बंटी का प्रोजेक्ट मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये क्या कह रहे आप सर? We just shook hands. आपने बोला था ना कि जल्दी जल्दी बताइए, तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। और क्या करूँगी, शुक शुक क्या कर रही है? चाहिए नहीं चाहिए हमें आपकी स्कॉलरशिप। अरे हम बहुत पैसे वाले, तुम कुछ बोलो ना राज। बहुत बहुत पैसे मेरे पास। हाँ और दीजिए इन्हें स्कॉलरशिप, ये चौहान फैमिली को, लो मिडिल क्लास फैमिली। भाभी जी ठीक कह रही है आप। क्या कह रहे हैं आप? ठीक ही तो कह रही है, हम है लोअर मिडिल क्लास। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई मानसी, कि मैंने तो बड़ा सिंपल सा वो वोल्केनो का बनाया था मॉडल, उस पे धुआं निकलने लगा, लावा निकलने लगा, फिर बर्फ पड़ने लगी, फिर हम सब जम गए। समझने की क्या जरूरत है, हमें स्कॉलरशिप मिल गई, ये काफी नहीं? So sweet. क्या कर रहे हैं बच्चे, देख रहे हैं? भगवान ये बाल कब सूखेंगे, कितना सारा काम पड़ा है, सब्जियां लानी है मार्केट से। रिंग रॉन्ग रिंग, मेरे बाल सूख कर सेट हो जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। मानसी दीदी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो मेरा नया हेयर स्टाइल कैसा है? बहुत अच्छा है, तुमने बाल कटवा लिए? हाँ। अरे वाह। अच्छा सर। अनुष्का, अरे ये क्या किया तुमने, बाल कटा लिए? लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, तुमने अपने बालों पर कैंची मार दी। लेकिन अजय सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपको पसंद नहीं आए? हाँ अजय ऐसे क्यों बोल रहे हैं, कितनी अच्छी लग रही है ना।
ये हेयर स्टाइल इसमें कितना सूट कर रहा है। अरे भाभी इसे तो सूट कर रहा, लेकिन मैं शूट कैसे करूंगा? मेरा जो प्रोड्यूसर है वो हिस्टोरिकल फिल्म बना रहा है और हिस्टोरिकल फिल्मों में हीरोइन के बाल लंबे होते हैं। सोचिए ना, रानी लक्ष्मीबाई ब्लंट कट में घोड़े पे बैठी तलवार चला रही, कैसा लगेगा? अरे अनुष्का तुम लोग तो बार बार बचते, लेकिन मुझे लगता है मैं इन बालों की वजह से ही नहीं बचूंगी। मेरा करियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अनुष्का अनुष्का रो मत, मैं कुछ करती हूँ, चिंता मत करो, मैं कुछ करूंगी। हाँ तेल दिखाएगा असली खेल। हाँ, रिंग रॉन्ग रिंग, इस तेल में ऐसा जादू आ जाए जिससे अनुष्का के बाल जल्दी से लंबे हो जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। आराम से नाश्ता कीजिएगा, लेकिन हाँ जल्दी ऑफिस जाइएगा, लेट मत होना, ठीक है? भाभी। आई। ये बात समझ नहीं आई कि मैं आराम से नाश्ता करके ऑफिस जल्दी कैसे पहुंच सकता हूँ। मानसी भी कई बार सरल चीजों को कितना कठिन कर देती है। मौसा जी, ये लीजिए आपकी ऑयल की बॉटल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। सुन सुन बेटा सुन, तुम एक मिनट ठहरो, मैं दो मिनट में लॉक ठीक कर लेता हूँ, फिर पांच मिनट में हम दोनों स्कूल निकल जाएंगे, ठीक है? मौसा जी मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए। कोई बात नहीं। ओहो, गिर गया तेल, बहुत गिर गया तेल है तो। चलो तेल ही तो है, माँ कहती है तो तेल नहीं लगाता, तेल भी लगा लिया। अब ठीक हो गया। अब तक यही है? हाँ। और आपके मुंह पे क्या लगा हुआ है? मुंह पे जी, हाँ? जी? जी? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, जल्दी से। अब आप अपनी आंखें बंद करो। जी। आई 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 मुंह पे ही है बस। आई अब जो मैंने कहा वो तुम चिल्ला के बोल दो। आई। मेरे साथ ये क्यों होता है? क्या करूं नाश्ते का, पैक में डालूं? बैग खराब हो जाएगा। मैंने मानसी दीदी का तेल भी यूज कर लिया, लेकिन मेरे बाल कब बड़े होंगे? एक्सक्यूज मी अंकल। यस। ये मंटू जी कहाँ है? मंटू विग मेकर की दुकान में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैडम मैं ही मंटू विग मेकर। मैडम हम 200 सालों से ये बालों के धंधे में बादलों की तरह छाए हुए हैं।
मुझे मालूम है आपको एक ऐसा विग चाहिए जो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा सके। वो क्या है ना मंटू अंकल? अंकल? हाँ अंकल, मैं है ना एक हीरोइन हूँ, मुझे है ना लंबे बालों वाली विग चाहिए। लंबे बालों वाला विग? एक मिनट। मैडम आप ये देखिए, लंबे बालों वाली ओरिजिनल बालों की विग। ओरिजिनल बाल? वाव। मैडम इसमें कुछ मेरे भी बाल मिक्स है। अंकल आपके पास कोई ऐसी विग नहीं है जो औरतों के बालों से बनी हो? क्या हुआ अंकल? मैडम हमारे खानदान में सारी औरतें गंजी थी। ओ सॉरी अंकल, आप ज्यादा सेंटी मत होइए। आप ऐसा कीजिए, मुझे कोई ऐसी विग दिखा दीजिए जिसमें आर्टिफिशियल बाल हो। आर्टिफिशियल बाल? हाँ। एक मिनट। ये लीजिए नायलॉन का विग। मैडम मैडम ये कौन सा विग पहना आपने? मैडम ये सूट नहीं करता। अरे अंकल ये तो आप असली बाल इतने बड़े इतनी जल्दी लंबे? अरे लंबे बाल, लगता है मानसी दीदी की दिल ने चमत्कार कर दिया। मंटू अंकल अब मुझे विग की कोई जरूरत नहीं है। यस यस यस, बाय मंटू अंकल। हेलो मिश्रा जी। हाँ अच्छा, हाँ मैं कह रहा था कि मैंने आपसे जिक्र किया था ना शीला जी के बारे में, तो आज शीला जी हमारा ऑफिस ज्वाइन करने के लिए आ रही हैं। हाँ अरे नहीं यार, मैंने तो सोचा कि मैं उनको सेंटर टेबल दूंगा, इससे कम से कम बाकी का स्टाफ तो राइट टाइम आएगा। अरे नहीं यार, तो ऐसा भी कहीं होता है क्या? अच्छा मैं रखता हूँ। सॉरी सर, मैं वो गाने सुन रहा था, टाइम पास, वो ऑफिस पास में ना सर, तो मैं कंफ्यूज हूं। विजय सिन्हा चौहान, क्या हाल बना रखा है आपने? ये लंबे लंबे बाल, ये बड़ी बड़ी मूछें। ओ माय गॉड सर, ये बाल मेरे नहीं सर, ये बाल बाल मेरे बाल हैं सर, आपके तो हो भी नहीं सकते। मुझे इस तरह की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है, ये कोई तरीका है ऑफिस आने का? एकदम आज मानव लग रहे हो। ये विजय दीनानाथ चौहान भी पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करता रहता है। चलो हमें तो खेलने से मतलब है, थोड़ा खेल लेते हैं। सर सर मैं बताता हूँ सर। गुड मॉर्निंग कौन करेगा? गुड सर मैं करूँगा सर। गुड मॉर्निंग सर। सर अब मैं बताता हूँ, ये सब ये आपको जलाने के लिए करता है सर, ये लंबे लंबे बाल, ये बड़ी बड़ी मूछें। लेकिन राज एक बात समझ में नहीं आ रही कि इसके लंबे लंबे बड़े बड़े बालों से मुझे जलन क्यों हो? सर मैं बताता हूँ, जरा सोचिए, अगर किसी के घर की बिजली का कनेक्शन कट चुका हो और कोई उसके सामने जानबूझकर टीवी चलाए सर, तो वो तो जलेगा ना। अगर किसी के पैरों में फटी हुई टूटी हुई घिसी हुई चप्पल हो और कोई उसके सामने नए ब्रांडेड स्पोर्ट्स शू पहनकर उछले कूदे, तो वो तो चिढ़ेगा ना सर। इसी तरह सर अगर किसी गंज क्या सेंटेंस पूरा करो। नहीं सर वो मैं नहीं बोल पाऊंगा सर। मैं बोलूं? बोलो। सर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी गंजे के सामने लंबे लंबे बाल दिखाओगे तो गंजा तो चिढ़ेगा ही ना। शट अप मिस्टर विजय दीनानाथ चौहान, मुझे ऑफिस में इस तरह की वेशभूषा कतई पसंद नहीं है। सर सर, सर वो आ गई सर। अरे वाह इतने काले घने लंबे बाल। हाँ ये है आपके तेल का कमाल जिसने मुझे कर दिया बालों से मालामाल। अनुष्का तुम्हारे बाल इतनी जल्दी कैसे लंबे हो गए? दीदी ने मुझे एक तेल दिया, मैंने उसे लगाया और फिर से इन बालों को पाया। टिक टॉक। अरे वाह भाभी, ऐसा कौन सा तेल है जिससे बाल इतनी जल्दी लंबे हो जाते हैं? वो ये वाला देखो थोड़ा सा बचा है। आइडिया मिल गया, आ गया। भाभी दे दो आशीर्वाद। पता
पता नहीं अजय को अब कौन सा आइडिया आ गया। अनुष्का कितने पैसे इकट्ठे हो गए? कुल मिला के 25,000। 25,000? वेरी गुड वेरी गुड अनुष्का। अगर ऐसे ही पैसे जमा होते रहे ना तो हम अपनी फिल्म खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसा लगा तुम्हें मेरा आइडिया? सर आप हो कमाल धमाल बेमिसाल। और अनुष्का ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी हम हो जाएंगे माला माल और फिर हम बनाएंगे फिल्म शीला के काले घने बाल। भगवान अजय ने तो तेल का बिजनेस शुरू कर दिया है। इसे कैसे समझाऊं कि ये तेल नहीं ये जादू है। आज मुझे पता चला कि दुनिया में गंजों की कमी नहीं है। मासी बंटी ये क्या हो गया? मासी मुझे नहीं पता आपने ही कुछ किया होगा। आज प्रिंसिपल सर ने मुझे सबके सामने कितना डांटा और आज रामलीला का ऑडिशन था तो मैंने तो राम का ऑडिशन दिया मगर सब लोग कह रहे थे कि इसके बाल लंबे इसलिए इसको सीता बना दो। बंटी एक बात बताना सुबह तुमने कोई ऑयल लगाया था? नहीं लगाया तो नहीं था मगर लग गया था क्योंकि मासा जी को उनके बैक का लॉक ठीक करने के लिए ऑयल चाहिए था। इसका मतलब जादू का असर सारे ऑयल पे हो गया था अब वो ऑयल इन्होंने भी छुआ था। पता नहीं इनका क्या हाल हो रहा होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।